बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास विंडोज अपडेट्स। लफ्ज टर्म अपडेट एंड अपग्रेड में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को देखने के लिए सबसे पहले समझते हैं मेरे पास विंडोज एक्सपी है। अगर मैं विंडोज़ एक्सपी मेरे पास मौजूद है किसी सिस्टम में, मैं इसी विंडोज़ एक्सपी के ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इट मीन्स मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना जा रहा हूँ। मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। अब अगर मेरे पास विंडोज 7 हो, उसी के ऊपर मैंने विंडोज 8 को इंस्टॉल करनी हो, तो मैं अपग्रेडेशन कर लेता हूँ। मेरे पास एक एंड्रॉयड सेट है, ठीक है, उसी के एक नई मॉडल आई तो मैंने इसकी अपग्रेडेशन कर ली, मैंने चेंज कर लिया। पे सेम इसी तरह से मेरे पास कोई भी है, मेरे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई यहाँ पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल है, ये ESC स्मार्ट सिक्योरिटी के नाम से 8.0.30 वर्जन इंस्टॉल है। अगर मेरे पास विंडोज़ यहाँ पे ESC स्मार्ट सिक्योरिटी की यहाँ पे वर्जन 10 आ जाए, तो वो अगर मैं इसी क्या अपग्रेड कर लूँ तो ये 8 की बजाय पे 10 आएगी मेरे पास। एक हमारे पास होती है अपडेट्स। अपडेट्स क्या होती है? अपडेट्स अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं, हाउ टू स्टॉप विंडोज अपडेट्स। अब बात रही कि विंडोज़ अपडेट को स्टॉप क्यों करनी है हम लोगों ने, आए विंडोज़ कौन जाके अपडेट करता है? विंडोज़ वो लोग अपडेट करते हैं जिनके पास ओरिजिनल विंडोज़ होती है, जिनके पास ओरिजिनल विंडोज़ होती है। हमारे पास जितनी भी विंडोज़ है सारे पायरेटेड विंडोज़ हमारे पास मौजूद है, जिसकी मार्केट में 20 से 30 रुपये तक कीमत होती है। ओरिजिनल विंडोज़ में हमारे पास क्या होती है, ओरिजिनल विंडोज़ पाकिस्तानी इसकी प्राइस होती है 12 से 14 हज़ार 16-18 हज़ार तक होती है। उसमें अगर मैं उन्हें अपडेट कर लूँ तो क्या होगा, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के देखे, आलात को देखे और एंटीवायरस को देखे, मेलवेयर्स को देखे, स्पाईवेयर्स को देखे, उनके अपडेट्स हमें बेचते हैं, उनके अपडेट पेचेज जाके बेचते हैं कि हम लोग क्या प्रोटेक्ट रहे, हम लोग सिक्योर है, किसी भी कोई भी हमें अनऑथोराइज कोई बंदा हमें यहाँ पे एक्सेस ना कर सके। हमें एंटीवायरस से जाके प्रोटेक्शन भी दिलाती है और नए नए फीचर्स उसमें से आते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी पायरेटेड विंडो है तो इसमें क्या अपडेट्स हम लोगों ने रखनी है? हाँ, अलबत्त ये है, अगर कोई ऐसे ड्राइवर हो जिन्हें हम लोगों ने इंस्टॉल करना हो, अपडेट्स करनी हो, तो इसके लिए मैंने क्या करना, अपडेट्स ऑन रखने हैं, उसी ड्राइवर को मैंने अपडेट करके देन वापस अपडेट्स को क्लोज कर। और अपडेट्स ये है कि हमारे विंडोज़ को जाके लोड भी कर लेती हैं बूट ड्राइव को, तो कोशिश करते हैं कि अपडेट्स को किस तरह से हम लोग डिसेबल कर लें। तो आते हैं, जब भी हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, चाहे मैं XP हो, विंडोज 7 हो, 8 हो, विंडोज 10 हो, तो ऑटोमेटिकली अपडेट्स हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विंडोज 7 में अपडेट्स को कैसे रोकते हैं हम लोग। ये मेरे पास विंडोज़ 7 है, वर्चुअल मशीन में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं विंडोज़ XP है। विंडोज़ XP मेरे पास वर्जन 2002 है, सर्विस पैक 3 है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम लोग यहाँ पे विंडोज़ अपडेट्स देखते हैं कि विंडोज़ अपडेट्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं। कि ये मेरे पास ऑटोमेटिकली अपडेट्स के मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे टर्न ऑफ आ रहे हैं। क्या रहे? टर्न ऑफ। अगर ये मेरे पास ऑप्शन लगी हो, पहले से ये थी कि आपके पास एवरीडे कितने 3 बजे 3 AM हो या PM हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 3 PM कर लेता हूँ, तो दिन के 3 बजे को ये क्या होगा, अपडेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ किए ऑटोमेटिक अपडेट्स को, अप्लाई ओके। इसी तरह से विंडोज 7 में अगर आपने अपडेट्स को जाके ब्लॉक करना हो, अपडेट्स को लेकर बंद करनी हो, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में। यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 आ गई,
इन्हें चेक करते हैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, देन हमारे पास यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्टार्ट, बल्कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल पड़ी मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर, और ये यहाँ पे चेक करके देखते हैं विंडोज़ अपडेट्स। विंडोज़ अपडेट्स मेरे पास पड़ी हो तो मैंने क्या किया, चेंज सेटिंग में आ जाना है। चेंज सेटिंग में दोनों चेक हटा करके यहाँ पे मैं करता हूँ नेवर चेक फॉर अपडेट्स, देन ओके। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग जब सिस्टम को शट डाउन करते हो तो आपसे पूछा, वहाँ पे पूछा जाता है कि आप सिस्टम को क्या क्या पे टर्न ऑफ ना कर ले, यहाँ पे अपडेट्स चल रहे हैं, या जब आप किसको ऑन करते हो तो अपडेट्स उसकी वहाँ पे चली होती है क्योंकि नेट की कनेक्शन होती है। तो अब करना यूँ है हम लोगों ने कि यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 भी अपडेट्स मैंने बंद कर ली, विंडोज 8 में कैसे वो करते हैं मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल से देखता हूँ। कंट्रोल टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ अपडेट्स, विंडोज़ अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ आइए यहाँ पे मेरे पास अपडेट्स बंद होते हैं नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास चेंज सेटिंग में इसमें भी ऐसे कर सकते हो, ना हुआ तो इसको इसी अपडेट्स को बंद करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आ जाए, यहाँ पे टाइप कर ले सर्विसेज, सर्विसेज डॉट एम एस सी टाइप कर ले, सर्विसेज डॉट एम एस सी, किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले, डब्ल्यू प्रेस कर ले कीबोर्ड से, डब्ल्यू प्रेस कर ले, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं विंडोज़ की अपडेट्स, ये मेरे पास लास्ट में रही सके लास्ट, वैसे तो और भी होंगे मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ अपडेट आई, डबल क्लिक कर ले, देन ऑलरेडी मेरे पास डिसेबल आ रही, पहले यहाँ में मैनुअली थी, ठीक, मैनुअली मेरे पास स्टार्ट हुई थी, तो देर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्टॉप की थी, स्टॉप के बाद मैंने यहाँ पे किया क्या इसके साथ, तो वेट कर लेते हैं इसके लिए, यहाँ पे वापस को मैंने क्या करता हूँ, मैनुअली तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके वापस मैंने यहाँ पे स्टॉप कर ली, अब आते हैं इसको वापस हम लोग डिसेबल कर लेते हैं। इसको मैंने कंट्रोल पैनल से भी, कंट्रोल पैनल से भी यहाँ पे अपडेट्स को बंद कर सकते हैं, ना हुआ सर्विसेज डॉट एम एस सी से भी ओपन कर सकते हैं, मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ, देन अप्लाई कर लेता हूँ, अब जाके इन्हें ओके कर लें, अब विंडोज़ अपडेट्स मेरे पास डिसेबल रही, तो देने यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। तो कोशिश क्या करें, जब भी आपके पास विंडोज़ हो, पायरेटेड विंडोज़ हो, उसमें कभी भी अपडेट्स ना लगाएं, अपडेट्स को बंद किया करें। अपडेट्स पड़े कहाँ पे रहते हैं, अपडेट्स हमारे पास, मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ, जस्ट टाइप कर लेता हूँ कंट्रोल, ये पे मेरे पास प्रोग्राम एंड फीचर्स आते हैं। प्रोग्राम फीचर जो भी आप प्रोग्राम विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हो तो सारी सारे प्रोग्राम फीचर्स यहाँ पे पड़े रहते हैं। इससे पहले जो भी अपडेट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं वो अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इंस्टॉल प्रोग्राम अपडेट्स, ये जो जो भी हमें ज़रूरी अपडेट्स हैं मैंने अपने पास रखे हुए हैं, देखो सिक्योरिटी के है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स हैं, ये मेरे पास फीचर्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे पायरेटेड विंडो हो, ये लोड हो आपके पास, तो विंडोज भी लोड हो जाएगी, स्पीड भी स्लो होगी, ठीक है, और इसके कोई भी यहाँ पे काम नहीं होगा, इसका असल काम है ओरिजिनल विंडोज़ के साथ। पायरेटेड में सिर्फ मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एलईडी लगाई साथ अपने पीसी के साथ, उसके उनको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे अपडेट्स लगा लिए थे। तो ये मेरे पास हो गया अपडेट्स को कैसे हम लोगों ने स्टॉप करनी है, अपडेट्स को विंडोज़ अपडेट्स को किस तरह से हम लोगों ने बंद करी है, कैसा विंडोज़ XP 7, 8 एंड 10 हैज़ वेल। तो विंडोज 10 में भी आप इसी तरह से सर्विस डॉट एम एस सी से इन्हें स्टॉप कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।